राम मंदिर की जमीन खरीद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी किया है। चंपत राय ने राम भक्तों से कहा है कि वे किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास नहीं करें। चंपत राय ने कहा कि तीर्थ क्षेत्र के किसी भी पदाधिकारी से तथ्यों की जानकारी नहीं ली गई, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। चंपत राय ने सामने आकर भूमि सौदे का पूरा लेखा जोखा रखा और एक एक आरोपों का जवाब दिया। 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था, वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।